आज हम आपको सिखाएंगे बूफे के कुछ आदाब। बूफे में जब भी आप आएँ तो सबसे पहले आप ले लेना सूप, ताकि भूख थोड़ी बढ़े। ये हम ले रहे हैं चिकन कॉर्न सूप, सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा और। बस दैट्स गुड। नाउ वी आर डन विद द सूप। अब हम आए मटन पे, अब हम निकालेंगे इसमें से मेन चीज़ें। आपको दिखाता हूँ मैं, एक तो ये एक और और ये आखिरी फॉर द फर्स्ट राउंड। बीफ पाए में से सारी नलियाँ मैंने निकाल ली हैं, अब बारी आई गोश्त की। ये निकालेंगे बीफ निहारी में से। ये आ गया एक बड़ा पीस इसके साथ। मटन जो होता है वो किसी भी बूफे का सबसे मेन पार्ट होता है, तो जब भी बूफे आए आप स्टार्टर के बाद सबसे पहले आपने ये चीज़ें लेनी है। अब हमने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया है, अब हम सेकंड राउंड के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर गार्लिक चिकन है, एग फ्राइड राइस है, मिनी पैनकेक्स हैं, बॉइल्ड एग्स हैं और लाइव एग मेकिंग है। यहाँ बहुत सारे फैंसी आइटम रखे हुए हैं, ये चेक करें। ये बट ये सहरी का टाइम है तो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि ये वाली चीज़ें लें। वहाँ पर स्वीट्स वगैरह हैं, यहाँ पर मेन कोर्स वाली डिशेज हैं, बट विल गो फॉर द बारबेक्यू। वो हमारी प्रिपेयर हो रही है गरम गरम ये प्लेट में। नाइस। हाथ चल रहा है मेरा, सो सॉफ्ट। कुछ वेजीज लेते हैं इसके साथ। देखो यार, ये बस, ये देखो कितनी सॉफ्ट है, ये देखो। और ये टोटल लव। नाउ इट्स अराउंड 3 और हम फिर मटन पाए खाने आए आफ्टर बारबेक्यू। अब हम निकालेंगे थोड़ी बीफ निहारी, थोड़ा इसमें से मीट निकालेंगे ताकि जो नली निकाली है उसके साथ थोड़ी एडजस्टमेंट हो जाए। अब मुझे फील हो रहा है कि मैं थोड़ा थोड़ा फुल हो चुका हूँ, तो मेरे हिसाब से मैं अराउंड 70% फुल हो चुका हूँ मटन से और बारबेक्यू से। जो बाकी 30% है उसमें कुछ परसेंट मीठे के लिए, कुछ परसेंट जो है ये बाकी डिशेज़ के लिए जो मैं थोड़ी थोड़ी ले रहा हूँ। मैंने निकाली थोड़ी सी हलीम जस्ट फॉर टेस्ट पर्पसेस। ये फ्राइड प्याज, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी बहुत अदरक विद सम हलीम। आई फील लाइक कि मुझे थोड़ा बारबेक्यू और ले लेना चाहिए वन लास्ट टाइम। तो अभी वो वहाँ पर लग रही हैं, डन होने वाली हैं बस। और डाल दो, पूरी कर दो सर। विद सम हलीम, प्योर गोल्ड। हाँ जल गया। अच्छा मैं एक और टिप आपको दे रहा हूँ, आपने नोट किया होगा मैंने अभी तक कोल्ड ड्रिंक नहीं मंगवाई। मैंने अब जाके कोल्ड ड्रिंक मंगवाई जब मुझे लगा कि आई एम गेटिंग फुल। अब आपको
जब भी आप जाए आपको मंगवानी है सेपरेट आइस क्यूब और ड्यू, और ये खोल के ऐसे, और ये जब आप खाने के बाद पियेंगे और उसके बाद मीठा खाएंगे तो मज़ा तो फिर अलग ही आएगा ना। अब आ गया वक्त गुलाब जामुन का, डालो। ओ डालो बस। यार ये इतने नरम है, मैंने अभी एक टेस्ट किया है, इतने नरम है ये, देखो फुल चाशनी वाले। मैं सारे खा जाऊंगा। काफ़ी चीज़ें हैं यार यहाँ पर मीठे में, ये देखो शाही टुकड़ा है, खीर है, ये जेली है, ये छोटी छोटी वो स्वीट्स हैं, ये एग पुडिंग है, चॉकलेट बॉल्स हैं, ये हैं, ये नहीं देखा यार, बट आई प्रेफर दिस। नाउ इट्स टाइम फॉर राउंड टू इन द स्वीट सेक्शन, और अब हम ले रहे हैं चॉकलेट मूज। अच्छा मैं सारी चीज़ें देख रहा था, मुझे पता चला यहाँ पर न्यूटेला भी है, तो मैंने मूज के ऊपर ये पूरा न्यूटेला डाल दिया है। ठीक, चेक करो अभी तो बहुत बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बना। ये देखो मैंने पहला वाइट लिया, फुल ऑफ चॉकलेट, ये देखो। नाउ इट्स थर्ड राउंड फॉर द मूस, ये हम लेंगे ऊपर से। ये यार ये इसके ऊपर न्यूट्रेला का कॉम्बिनेशन नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल। लास्ट राउंड में मैंने आपको न्यूट्रेला ड्रॉप नहीं दिखाया था, आप इस द फर्स्ट टाइम ड्रॉप चेक करें, या आपको लेना है भर के न्यूट्रेला, और ये इसके ऊपर ड्रॉप, थोड़ा सा और। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मैं आपको बता दूँ मैं 98% फुल हो चुका हूँ, मेरा बस एंड चल रहा है। आप बस दुआ करें कि जल्दी से मैं एंड कर लूँ इस चॉकलेट के साथ। फाइनली दिस इज़ माय वन लास्ट बाइट, माय 100% इज़ डन एंड आई एम डन। अल्लाह हाफिज़।